अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ब्लैक गो टू प्रोटोकॉल रिसीवर का सिग्नल प्रॉब्लम हल करके दिखाने वाला हूं। आप देख सकते हैं ये AS06TB501V1.0 वाला है बॉक्स, तो मैंने यहां पे वायर भी लगाई हुई है। तो अगर मैं जूम करके आप लोगों को दिखाऊं तो यहां पे किसी भाई ने रिपेयर करने की कोशिश की है और साथ में यहाँ पे एक रिस्टांस लगी होती है, वो भी नहीं लगी हुई अभी। तो सिग्नल भी आप देख सकते हैं, टीपी भी बिल्कुल सही लगाई हुई है, सैटेलाइट भी बिल्कुल ठीक है और डिश एंटीना भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और गाइड कर दूँ आप लोगों को, यहाँ पे एक रेड वायर लगी हुई है फ्लैश के साथ, तो ये क्यों लगाई गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप वोल्टेज देख लें, यहाँ पे बिल्कुल आउटपुट इसका वोल्टेज नहीं आ रहा। तो अगर यहाँ से पीछे हम अगर वोल्टेज यहाँ पे चेक करते हैं तो इसके जो वोल्टेज हैं जो 18-15 हमें चाहिए ये बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो मैंने वैसे ये मल्टीमीटर कंटिन्यूटी पे रखा हुआ है इसलिए इस तरह आ रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट जो पिन होती है वहाँ पे बिल्कुल नहीं आ रहे, लेकिन बैक साइड पे आ रहे हैं। एक तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि हमारे वोल्टेज बिल्कुल आउटपुट नहीं जा रहे, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे एक रिस्टांस वगैरह लगी होती है वो भी नहीं लगी हुई। तो प्रॉब्लम ये दो प्रॉब्लम आ गई, और आप भी यहाँ पे इसी तरह चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके भी आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ। जब भी कभी आपने पिन चेंज करनी है तो यहाँ पे एक रिस्टांस लगी होती है जो कि ग्राउंड के साथ होती है, आईसी और ग्राउंड के साथ होती है। तो यह देख ले, यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से लगा दिया है, ये एक रिस्टांस मैंने लगाई है जो कि ग्राउंड और इस आईसी सिग्नल आईसी के साथ लगी होती है। और वोल्टेज और रिस्टांस को आपने लाजमी चेक करना है, अगर फिर भी सिग्नल नहीं आए तो फिर आपने इस आईसी को थोड़ा सा हीट करना है, और इसके बाद फिर भी अगर सिग्नल ना आए तो आप लोगों ने यहाँ पे गौर करना है, ये दो इलेक्ट्रीफायर मैंने लगाए हैं। तो यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा होता है जो कि 3 वोल्ट का होता है, तो उसकी वजह से यहाँ उन्होंने वायर लगा दी थी, तो इसके जो वोल्टेज थे वो 5 वोल्ट हो गए थे, जो कि आईसी सिग्नल आईसी को 3 वोल्ट जाते हैं। तो वो 5 वोल्ट होने की वजह से सिग्नल आईसी हीट हो रहा था, जिसकी वजह से सिग्नल प्रॉब्लम आ रही थी। तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रीफायर इसीलिए लगा दिए हैं कि 5 वोल्ट से 3 वोल्ट हमारे वोल्टेज आ गए, और उसके बाद सिग्नल आईसी को भी मैंने अच्छे से रिपेयर किया है, इसके सिग्नल आ चुके हैं। तो आप भी इसी तरह आपने चेक करना है, अगर ये प्रॉब्लम आपके रिसीवर में है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोबारा से मैंने ये वायर लगाई है, और अभी आप सिग्नल चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सिग्नल नो सिग्नल है, और जैसे ही मैं दोबारा इसमें लगाऊंगा इलेक्ट्रीफायर तो हमारे सिग्नल आ जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।